नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा चल रहा था, हम कर रहे थे SSC कांस्टेबल GT के मॉडल पेपर। मॉडल पेपर एक देख लिया था अपने जनरल अवेयरनेस का, अब मॉडल पेपर नंबर दो देखते हैं। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए NCERT के बुक से लिए गए हैं। तो आपका क्या स्कोर रहता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेट के जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिल सके। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, शकों के प्रसिद्ध शासक का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो ये आपको बताना है। तो क्या था? रुद्रदमन। नेक्स्ट देखिए, जूनागढ़ अभिलेख किसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है? तो ये आपको बताना है किसकी करवाता है, शक शासकों की। तीसरा देखिए, बौद्ध धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ? बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था वो किनके काल में हुआ था, ये आपको बताना है। तो किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का स्थान था? बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। आगे देखिए, हूणों का सर्वाधिक संघर्ष निम्न में से किसके काल में हुआ, किस शासक के काल में हुआ, ये आपको बताना है। तो किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के। स्कंदगुप्त इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिका जो पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, किसकी है, मतलब इसके लेखक का नाम क्या है? तो इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो किसकी है? मेगस्थनीज की। आगे देखिए, मिलिंद पनह नामक जो पुस्तक थी, मिलिंद पनह किस शासक को समर्पित है? तो किसे समर्पित है? मेनांडर को। आगे देखिए, सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाने वाले शासक का नाम क्या था? कल आपने देखा था सुदर्शन झील का निर्माण, आज देखते हैं जीर्णोद्वार किसने करवाया था। तो किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी उपाधि बप्पा रावल ने धारण नहीं की थी? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कि कौन सी उपाधि बप्पा रावल ने धारण नहीं की थी। तो कौन सी थी? इंदु सूत्राण। ये किसकी थी? महाराणा कुंभा की थी। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध किस स्थान पर लड़े गए? दो युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है जो लड़े गए थे, वो कहाँ पर लड़े गए थे, ये आपको बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? इजी है, तराइन के दो युद्ध है जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़े गए थे। पहले में पृथ्वीराज विजयी रहे थे और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत गए थे। आगे देखिए, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष अधिकार किया? तो कब किया था रणथंभौर पर अधिकार? 1301 में। नेक्स्ट देखिए, महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया? महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया, ये आपको बताना है। तो कहाँ किया था? बयाना में। नेक्स्ट है, प्रथम यूरोपीय जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की? इसका तो आंसर मेरे हिसाब से तो बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या होगा? वास्को डिगामा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ऐसा बोला जाता है कि इस युद्ध के बाद ही यहाँ पे जो अंग्रेज की गतिविधि है वो बढ़ी थी, अंग्रेजों की गतिविधियाँ बढ़ी थी। कब लड़ा गया? 1757 में। आगे देखिए, 1857 की क्रांति की पूर्व योजना के अनुसार किस समय में एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था?
आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले एक योजना तय हुई थी कि इस समय इस तारीख को विद्रोह शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही 10 मई को विद्रोह शुरू कर दिया गया। तो वो डेट क्या थी? तो क्या थी? 31 मई को तय हुआ था, लेकिन ये 10 मई को ही शुरू हो गया। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए होगा। आगे देखिए 16। 10 मई 1857 को स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो क्रांति भड़कती है तो हमेशा मध्य से भड़कती है, तो मध्य यहाँ पे क्या है? मेरठ। तो मेरठ से शुरू हुई थी। आगे, दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक था। दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? देखो, आप वैसे पता लगा सकते हैं, तांते टोपे तो हो ही नहीं सकता, ये तो भीलवाड़ा से थे, वो सॉरी भीलवाड़ा से नहीं थे। कुशाल सिंह भी नहीं हो सकते, कुंवर सिंह और रंगा जी बापू दो में से हो सकते हैं, तो कौन थे? रंगा बापू जी गुप्ते। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे देखिए कि 1893 ईस्वी में, 93 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कहाँ भाग लिया था? विवेकानंद जी ने कहाँ भाग लिया था? तो वो कहाँ गए थे? शिकागो में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। तो कैसी लगी वीडियो, आप लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताएं हमारे हमें, और कितना आपका स्कोर रहा वो भी हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे हमारे साथ इसी तरह, एंड एग्ज़ाम के लिए आपको गुड लक फ्रेंड्स।